हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह आज बात करने वाला हूं नीट पीजी 2021 में पैटर्न चेंज होने के बाद डीएनबी का क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो नीट मार्क्स टोटल जो होते थे वो 1200 के होते थे, जिसको कि रिड्यूस करके 800 कर दिए हैं। जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो 300 हुआ करते थे, जिसको रिड्यूस करके 200 कर दिया गया है। तो इसके बाद एक्सपेक्टेड कटअप डीएनबी का ब्रांच वाइज क्या जाएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है वो आप लोगों को पीजी के जो काउंसलिंग होगा उसके लास्ट तक सपोर्ट करेगा। हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। और हमारे यहाँ पेड सर्विस भी है, चाहे तो आप पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं इसमें आपको रैंक बताऊंगा, स्कोर आप खुद से देख सकते हैं किस किस स्कोर पे आपको कौन कौन सीटें मिल सकती है, कितने स्कोर पे आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। डीएनबी के लास्ट तक जो सीट है, लास्ट काउंसलिंग होगा वो बता रहा हूँ। लास्ट काउंसलिंग जो होगा, फाइनल काउंसलिंग, उसका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि राउंड वन का बता रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको स्क्रीन शॉट करके भी देख सकते हैं। रेडियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो 10,000 यदि आपको ऑल इंडिया रैंक है, और स्कोर जो आपको बगल में दिया हुआ, मैं रैंक ही बताऊंगा, स्कोर आप खुद से देख सकते हैं। 10,000 ऑल इंडिया रैंक या इससे ज़्यादा है, इसके नियर अबाउट है, तो आपको सीटें मिल सकती है। डर्मेटोलॉजी के लिए 9,000 ऑल इंडिया रैंक वाले को सीट मिल सकती है। जनरल मेडिसिन को 23,000 ऑल इंडिया रैंक वाले को, पीडियाट्रिक्स 26,000 ऑल इंडिया रैंक होगा तो आपको सीट मिल सकती है। ओबीजी ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए 26,000 या इससे ज़्यादा। टीबी एंड चेस्ट के लिए 24,000, ऑर्थो को 24,000, जनरल सर्जरी 33,000, और ऑप्थल्मोलॉजी के लिए आपको होना चाहिए 45,000 ऑल इंडिया रैंक। ईएनटी की अगर वहीं बात किया जाए तो 50,000 ऑल इंडिया रैंक है या इससे ज़्यादा है, तो चांसेस बन सकता है आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। एनेस्थीसिया के लिए आपको 44,000 के नियर अबाउट अगर ऑल इंडिया रैंक है तो सीट मिल सकती है। वहीं साइकेट्री के बाद किया जाए तो साइकेट्री के लिए 31,000 ऑल इंडिया रैंक, रेडियोथेरेपी 50,000 ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 42,000 ऑल इंडिया रैंक में सेफ जोन में है। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए 23,000 ऑल इंडिया रैंक पे सेफ जोन में रहेंगे। पैथोलॉजी के लिए 60,000 ऑल इंडिया रैंक, फैमिली मेडिसिन के लिए आपको 45,000 ऑल इंडिया रैंक, प्लास्टिक सर्जरी के लिए 34,000 ऑल इंडिया रैंक। वहीं पे न्यूरो सर्जरी जो 6 ईयर्स का कोर्स है, और प्लास्टिक सर्जरी, तो न्यूरो सर्जरी के लिए 28,000 ऑल इंडिया रैंक। वहीं कार्डियो सर्जरी 6 ईयर्स का कोर्स के लिए 32,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो चांस बन सकता है। तो ये था आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि मैं ब्रांच वाइज आपको बताया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नए पैटर्न आए हैं, और साथ में आपको जो मार्क्स है वो भी रिड्यूस हुआ है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी रिड्यूस किया गया है। इसके बाद मैंने एनालाइज करके आप लोगों के सामने ये एक्सपेक्ट किया हूँ। तो रैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो भी डिफरेंस होगा आपको मार्क्स में देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये जो मार्क्स मैंने बताया रेडियोलॉजी के लिए वो 480 to 500, लेकिन वहीं पे आपको जब ये पैटर्न नए नहीं आए थे, उससे पहले मैं बता रहा था आपको लगभग 600 प्लस स्कोर बता रहे थे, 600-700 स्कोर बता रहे थे, लेकिन रैंक सेम जा रहा था। तो रैंक में चेंजिंग नहीं होता है, जो भी चेंजिंग आपको होता है स्कोर पे होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतना ही है, ठीक है। तो स्कोर कितना भी है लेकिन स्टूडेंट उतना ही है, तो रैंक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे ही डिसाइड किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं।